हेलो बच्चों, हम 8.6 कर रखे हमने स्टार्ट और 25 क्वेश्चन कर दिए हमने कर दिए इसके 27 पार्ट वीडियो के बन चुके हैं। 28वां पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो आज हम 26 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज इसको लगभग ये है कि आज कोशिश करते हैं कि इसको फिनिश करने की, ठीक है। देखो क्या कहता है 26 में, क्या कहता है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड क्लोज्ड है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। देखो क्यूबॉइड कैसा होता है पता ही है, मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो क्यूबॉइड ऐसा होता है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ये क्लोज है, क्लोज मतलब चारों तरफ से बंद है ये, ठीक है, इसके ढक्कन वगैरह से चारों तरफ लगे हुए हैं, तो क्लोज क्यूबॉइड है ऐसे, दिस इज क्लोज क्यूबॉइड। इसका बेस कैसा, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, मैंने एक्स और एक्स मान लिया, तो लिखो लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वाले मैंने x, ठीक है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। अच्छा इसकी जो हाइट है वो मानेंगे h, क्या होगी हाइट, हाइट क्या मान ली मैंने h, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना अच्छे से, क्या कहता है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या करना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो सरफेस एरिया इसका जो है ना वो क्या करना है, कहता है मिनिमम होगा, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, मिनिमम होगा कब, जब ये क्यूब बनेगा। तो देखो क्या रखा हमें गिवन, देखो क्या रखा, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन, ठीक है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है। टू प्रूव क्या प्रूव करना हमने, कि इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो क्या है, सरफेस एरिया इज लीस्ट मिनिमम होगा, कब होगा, कब होगा, व्हेन इट इज ए क्यूब, मतलब क्या कहता है, वॉल्यूम हमें इसका दे रखा है, ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा है, फिर से देखो, एक क्यूबॉइड है, इसके लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें, दोनों सेम है, विद स्क्वायर बेस, बेस इसका कैसा, स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका बेस था, ये कैसा है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर क्या कहता है, स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, हाइट अलग हो जाएगी, ये लो तुमने लेंथ ब्रेथ और हाइट मान ली, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और इसका कर्व सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या दिखाना है, मिनिमम होगा, कब होगा मिनिमम, जब वो क्यूब बनेगी, तो क्यूब कब बनेगी, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, एच को और दिखा दो इसके इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तीनों साइड इक्वल होते क्या हो गए बताओ, क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, तो हम कर लेंगे आगे काम, तो करते हैं स्टार्ट प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या होगा, देखो यहाँ पे जो दे रखा है वॉल्यूम वो लिखो पहले, वॉल्यूम क्या बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही होता है, ये मैं दे रखा है वॉल्यूम वी, तो वी इज गिवन, तो ऐसे एच वॉल्यूम निकाल दूँ मैं, वी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया एच, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया, लेट एस बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाल दो, इस सरफेस का एरिया क्या हुआ, एक्स गुणा एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो एक्स स्क्वायर है, ऊपर छत का भी एक्स स्क्वायर होगा, तो छत और बॉटम क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, दोनों जोड़ दिया मैंने, प्लस चारों साइड का, अब ये वाली साइड देखो, एच क्या है इसकी हाइट है, एक्स क्या है इसकी चौड़ाई है, तो क्या होगा इसका एरिया, एक्स एच, एक्स एच इसका, एक्स एच इसका, चार साइड क्या होगा, एक्स एच एक्स एच एक्स एच क्या हो जाएगा, बोलो फोर एक्स एच, ये आ जाएगा टोटल एरिया, आ गया। अब क्या करना है इसमें, बोलो जहाँ एच वहाँ क्या रखेंगे, वी अपॉन एक्स स्क्वायर, और अब मेरे ख्याल से आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बन गया एस, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने मिनिमम दिखाना है, और मिनिमम कब होगा, जब क्यूब बनेगा, तो ठीक है, तो करें स्टार्टअप, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वॉल्यूम तो क्या है इसमें कॉन्स्टेंट था, तो इसका तो फोर एक्स हो जाएगा, फोर भी इसका क्या होगा, बोलो भाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, फोर इसे क्या होता है यहाँ पे, बोलो प्लस एट वी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये आया, क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव, सो क्या हुआ, सो एस इज मिनिमम, ठीक है, एस मतलब सरफेस एरिया का मिनिमम का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फोर बोलो भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा डी एस बाई डी एक्स को क्या रखेंगे, जीरो के ऊपर, कैसे रखेंगे, जीरो के ऊपर, तो फोर एक्स माइनस फोर वी अपन एक्स के बराबर जीरो,
तो 4x इक्वल टू 4b कर लो, हो गया, 4 से वर्क कर देगा, एक्स क्यूब इक्वल टू वी आ गया, यानी वी इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, आ गया वी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या करना बताओ, अब लिखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देखो एच क्या होगा, एच वी अपॉन एक्स स्क्वायर था, वी की जगह एक्स क्यूब रख देंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स आएगा, तो इसमें क्या होगा, एच और एक्स बराबर आ गया, है ना, एच और एक्स क्या हो गया बराबर, यानी इसके लेंथ और ये सेम आ गया हाइट, जब सेम आ गए तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो क्या लिखोगे, सो इट इज ए क्यूब, तो क्यूब भी बन गया और क्या इसका सरफेस एरिया मिनिमम भी हो गया। ये क्वेश्चन था और इसके साथ ही खत्म होता है सवाल, ठीक है, सिंपल है ना। 27 देखो, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। देखो राइट सर्कुलर कोन एक, उसका सरफेस एरिया लिस्ट, ठीक है, लिस्ट मतलब मिनिमम दिखाने, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। देखो डायग्राम बनाते, ये कोई कोन है, ठीक है, कोन का देखो हम क्या करना है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, हाई वाली हाइट है, ये हो गया एल, स्लेंट हाइट हो गया, ठीक है, ये कोन है। क्या कहता है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज, सॉरी 27, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ये कोन है, इसे कर्व सरफेस एरिया को लिस्ट दिखाने में, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो गिवन क्या है, हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ कोन ये दे रखा है, ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है, कर्व सरफेस क्या होगा, मिनिमम होगा कब, इफ हाइट ऑफ इसके हाइट का भी रूट टू टाइम्स ऑफ आर होगी, ठीक है, ये दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है, और ये हमने प्रूव करना है, तो करें स्टार्ट। थोड़ा हिंट दूंगा, अब आगे का तुम्हें खुद कर लेना है, मैं तुम्हें एक फंक्शन बना के दे देता हूँ जिसको मिनिमम दिखाना है वो करना, बाकी आप खुद करना। ये क्या अपना कोन है, ठीक है, कोन का क्या करना है, वॉल्यूम दे रखा, तो पहले लिख लो वॉल्यूम, वी लिख लो, वी गिवन, तो लिखो वी, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr², ठीक है, तो यहाँ से आप एच के लिए निकाल दोगे 3v/πr², ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दे रखा था, यहाँ से हमने एच निकाल दिया, अब क्या करना है, इसका सर वो लिखो, कर्व सरफेस लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है पता है आपको, क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, और इसको क्या करेंगे, ए मान लेता हूँ, ए फॉर एरिया, एल, क्या करना है इसको मैक्सिमम दिखाना ना, मिनिमम दिखाना है, क्या दिखाना है इसको, मिनिमम, और एक कब होगा मिनिमम, जब हाइट क्या होगी, रूट टू टाइम्स ऑफ आर होगी, ठीक है, तो कर दे स्टार्ट। तो देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो, कौन कौन से, आर और एच, आर और एल, कितने वेरिएबल इसमें, दो हैं, कौन कौन से, आर और एल, दो वेरिएबल हैं, तो सिंगल बदल देंगे, तो मेरे ख्याल से आर की वैल्यू निकालने ना, इसमें एल हटा दो क्योंकि एल में नीचे है, हमें तो आर और एच में रिलेशन में निकालना था, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, किसको, एल को हटा देंगे, ठीक है, तो एल को कैसे हटाओगे, देखो ध्यान से, एल का एक फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोलो है, पता नहीं होता, होता ना, बस एल, अब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे एल, एच के लिए ई ये रख दो इसमें, तो ये तो आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर ये रहा, प्लस एच स्क्वायर, एच ये रखेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये आया। अब देखो अब क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दो इसका, क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग, पाई स्क्वायर ताकि रूट हट जाए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, और इन का ले लेंगे मैं एलसीएम, ठीक है, तो पाई स्क्वायर आर के पावर 6 9v², ये तो आएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या होगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई स्क्वायर आर के पावर 6 9v² अपन यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर बचेगा, ये आ गया एरिया का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्यों क्या पता लगे ना आपको, ताकि क्या हो जाए, ये रूट खत्म हो जाए, डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाए। मैं अब इस ए स्क्वायर को टी मान लेता हूँ मैं, ठीक है, लेट लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है, मतलब पेज नंबर 22 हो गए, ठीक है बेटा, तो टी इज इक्वल टू क्या है, टी इज इक्वल टू पूरा लिखे अच्छे से, क्या होगा, पाई स्क्वायर आर के पावर 6
आर के पावर 6 प्लस 9 वी स्क्वायर अपॉन अपॉन कितने यहाँ पे आर स्क्वायर, ये ठीक है। अलग अलग कर लो इसको, कर दें अलग अलग, ठीक है कर दो अलग। देखो इसके बेटे में करेंगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 बचेगी, इसके बेटे में करेंगे क्या होगा, ये आ गया टी आ गया। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी टी बाई डी आर कर देंगे, क्या होगा बताओ, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यहाँ क्या होगा यहाँ बताओ, 18 वी स्क्वायर अपन में आर क्यूब, इसका कर देंगे डेरिवेटिव। फिर कर देंगे डी टू टी अपन डी आर स्क्वायर, इसे कर देंगे क्या होगा, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है ये, और इसे क्या होगा यहाँ पे 54 वी स्क्वायर अपन आर के पावर 4, पता लगे वो 54 वी स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगी, ये आ गया। वॉल्यूम क्या होता है पॉजिटिव, आर में क्या होता है पॉजिटिव, तो कुल मिला के इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है तो क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। सो क्या टी इज मिनिमम या लीस्ट, टी मिनिमम है तो ए स्क्वायर क्या होगा इज मिनिमम, ऐसे लिखोगे, और जब ए स्क्वायर मिनिमम है तो ए विल बी मिनिमम, ठीक है ये बात आपने याद करनी है। अब क्या करेंगे, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या करना बताओ, डी टी अपन डी आर का क्या रखेंगे, 0 के इक्वल, डी टी बाई डी आर के लिए ये रखेंगे, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर अपन आर क्यूब इज इक्वल टू 0, ये तो इसमें रख देंगे वैल्यू, देखो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 18 वी स्क्वायर अपन में आर क्यूब, ठीक है ठीक है बेटा। अब यहाँ से कर दो स्टार्ट, तो यहाँ से वी स्क्वायर हो जाएगी, इसको करेंगे गुणा, 4 पाई आर के पावर 6 हो जाएगी इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 अपन 18 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी के लिए क्या होगा रूट लग जाएगा सारे का, ठीक है तो कितना होगा 2 पाई, इसका रूट 2 इसका पाई इसका आर क्यूब, और 18 का असल 18 को मैं 3 रूट 2 कर दूँ, 3 रूट 2, ठीक है क्या आएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, 18 रूट क्या होगा 3 रूट 2, तो इसका ऐसा कर दूँ रूट 2, एक ही बात है ना देखो, क्यों क्योंकि इस 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 से रूट 2 कर देगा रूट 2 आ जाएगा, क्या क्या बोल। अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें जहाँ वी है वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वी के लिए इसमें रखेंगे लो एच के लिए जाएगी, एच क्या होगा 3 इंटू में वी, वी की जगह अच्छा क्या था देखो यहाँ पे, ये क्या था 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो बाहर निकाल देंगे इंटू में यहाँ आएगा वी की वैल्यू, तो वी की वैल्यू कितनी आई ये रही रूट टू पाई आर अपॉन 3 रूट टू पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये आ गई 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई कटेगा रूट टू नहीं कटेगा, तो क्या होगा रूट टू और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा आर बचेगा, तो एच क्या आ गया रूट टू टाइम्स ऑफ आर भी आ गया, और क्या हो गया इसका एरिया क्या हो गया मिनिमम भी हो गया, ठीक है तो ये दोनों पार्टी हमने क्या करने थे प्रूफ करने थे, तो दोनों हो गए आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब आ जाओ 28th क्वेश्चन देखो, ठीक है सारे सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन मैंने इसके करवा दिया है, अब घबराने वाली बात नहीं है सारे सारे कर सकते हो, ठीक है। क्या कहता है, एन ओपन बॉक्स इज विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन बोर्ड ऑफ क्वान्टिटी ऑफ एरिया सी स्क्वायर, ठीक है देखो फिर से देखो क्या कहते हैं, एक कार्डबोर्ड ऐसे ठीक है, इसका एरिया दे रखा सी स्क्वायर, ठीक है ये इसका एरिया है, इससे हम क्या कर रहे हैं एक बॉक्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इससे हम एक बॉक्स बना रहे हैं, ओपन बॉक्स बना रहे हैं जिसका बेस स्क्वायर है, ये बॉक्स ऐसे बनेंगे ना ठीक है, ऐसे बनेंगे बॉक्स, इसका बेस स्क्वायर है इससे ये बॉक्स बना रहे हैं, तो बेस स्क्वायर तो इसमें क्या हो गया बेस में लेंथ और ब्रेथ सेम आएगी, फिर तो एक्स मैंने लेंथ मान ली तो ब्रेथ क्या हो गया इसके एक्स हो जाएगी, लो लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया सेम आ गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ लिखना, बिकॉज सॉरी पहले तो यहाँ लिखोगे लेट लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स को हम क्या मान लेंगे एक्स, ब्रेथ पे मैंने एक्स मान ली, क्यों मानी क्योंकि इसका बेस का साइज स्क्वायर है, ठीक है बेटा। हाइट ऑफ बॉक्स मान लेंगे एच, ये हाइट आ गई लो, ठीक है
तो इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी ये आ गया, अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखना बिकॉज जो बॉक्स है ना वो किससे बनी है, बॉक्स इज मेड बाय कार्डबोर्ड, ठीक है बेटा, कार्डबोर्ड से बनी बॉक्स, बी ओ ए आर डी, ठीक है, कार्डबोर्ड से बॉक्स बनी है। अब देखो जितना बड़ा कार्डबोर्ड होगा उतनी बड़ी बॉक्स होगी, जितना छोटा कार्डबोर्ड होगा उतनी छोटी बॉक्स हो जाएगी। तो मतलब कार्डबोर्ड किस पे डिपेंड करता है, बॉक्स का एरिया किस पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पे, इट मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। सो क्या लिखो, सो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, और कार्डबोर्ड का एरिया कितना, सी स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बॉक्स कितना आ गया, सी स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ बॉक्स निकाल दो, ऊपर से तो ओपन है, ओपन एट द टॉप लिखा हो इसके ऊपर, मतलब ये ऊपर से क्या बिल्कुल ओपन है, तो ऊपर तो एरिया शामिल नहीं होगा, चारों दीवारों का और फर्श का ऐड कर देंगे। लो फर्श का एरिया क्या होगा, एक्स, और एक्स इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो बस फर्श है, छत तो है नहीं इसकी, फर्श का एरिया निकाल दिया हमने। अब चारों दीवारों निकालो, एक दीवार देखो एक्स तो इसकी चौड़ाई है, एच क्या इसकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या होगा, एक्स एच, एक्स एच इसका, एक्स एच इसका, एक्स एच और एक्स एच क्या होगा, फोर एक्स एच, ठीक है, एच क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स, ठीक है, ये आ गया एच। अब क्या करोगे बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, ये आ गया एच, इसको हम सॉल्व करेंगे अब आगे, ठीक है। तो दे रखा था वहाँ से हमने एच निकाल दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करना पता है, अब इस बॉक्स का क्या करना है, वॉल्यूम, हाँ इसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, मैक्सिमम दिखाना है, और मैक्सिमम वॉल्यूम भी हमें निकालना है, और उसकी वैल्यू सी क्यूब बाई सिक्स रूट थ्री आनी चाहिए, ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो देखो तब लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, एक्स इंटू एक्स इंटू एच, ये तो आएगा वी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है, और वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच जगह क्या रखोगे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स, ले लो तो क्या होगा, एक एक्स एक्स कर देगा, इसको कर देंगे गुणा, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर, ये आ गया वी। अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वी बाई डी एक्स, वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है, इसका क्या होगा, सी स्क्वायर, और इसका क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ले लो, ठीक है, इसका क्या होगा, जीरो, क्या तो माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री बाई टू इंटू मैक्स, ये आ गया, क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, वॉल्यूम क्या आ गया, मैक्सिमम, ठीक है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखा दिया हमने। अब क्या करना था हमें, अब इसका वॉल्यूम और निकालना है, और वो वॉल्यूम जो दे रखा वो आना चाहिए, उसमें सी है, देखो सारे में उसमें क्या, सी की टर्म में वॉल्यूम निकालना है, तो कह रहे हैं एक्स और एच की वैल्यू सी की टर्म में निकालनी है, ठीक है, तो क्या करो बताओ, फोर, हाँ भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेट हुई जीरो के इक्वल रख दो, वहाँ से एक्स को ले जाएगी, ये रखेंगे जीरो के इक्वल। तो अगला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, देखो अगले टाइप पेज पे हो गया ये सारा काम, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये आई है वन बाई फोर सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी अपॉन में रूट थ्री, ये आ गया एक्स, आ गया एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, अच्छा वॉल्यूम में निकालना ना, तो वी वी ये रहा, तो इसमें रख देंगे एक्स की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू थ्री बाय रूट थ्री सी बाय रूट थ्री इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो क्या था वॉल्यूम, वन बाई फोर तो बाहर था, सी स्क्वायर यूँ कहूँ, एक्स जगह रखेंगे सी बाई रूट थ्री, यह क्या सी बाई रूट थ्री का क्यूब, जहाँ एक्स था वहाँ पर मैंने, इसमें जहाँ एक्स था वहाँ पर मैंने क्या, इसमें इसमें मैं जहाँ एक्स था वहाँ क्या रखा मैंने, सी बाई रूट थ्री रख दिया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो आंसर आ गया, क्या हुआ सी क्यूब बाई रूट थ्री, और क्या हुआ सी बाई सी स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, टेकिंग एलसीएम, तो ये क्या होगा थ्री सी क्यूब, क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या होगा, बोलो क्या कितना यहाँ पे रूट थ्री सी क्यूब, ये आया, ठीक है, ये गलती करते ना यहाँ पे,
यहाँ पे देखो रूट थ्री का क्यूब है, तो 3√3 आएगा, तो इनका एलसीएम 3√3 आएगा, स्क्वायर से बाद में 3 आएगा, 3 3 स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सी स्क्वायर आएगा, सी क्यूब आएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू इसमें से कटेंगे क्या होगा, 2 सी स्क्वायर / 3√3 आ जाएगा, सी क्यूब कर देंगे इसको, तो क्या होगा, सी क्यूब अपॉन 6√3, यही आंसर है। आगे क्या लिखोगे, क्यूबिक यूनिट क्या है, आगे क्यूबिक यूनिट लिखोगे, ठीक है, क्यूबिक यूनिट ये इसका यूनिट होती है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ये आएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28वां, ठीक है। अब मैं कराता हूँ आपको 29वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है, 29 देख लो, क्या कहते हैं 29 में, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कोन के अंदर बना हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, ये ले लेंगे कोन, देखो ठीक है, ये कोन है, इसके अंदर क्या एक सिलेंडर बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना देंगे सिलेंडर, ठीक है, ये बन गया सिलेंडर, कोन के अंदर क्या बना है, सिलेंडर बना हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है देखो, शो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, इसका सिलेंडर, ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसके अंदर, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। और कब होगा मैक्सिमम, व्हेन द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर और कोन के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। देखो मैं अच्छे से बताता हूँ, एक सिलेंडर है जो कोन के अंदर बना हुआ है, अच्छा कोन बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, कोन का रेडियस कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द कोन ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, देखो यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ कोन कितने, यहाँ पे आर, कैपिटल आर ले लिया, हाइट ऑफ कोन, कोन का कैपिटल एच ले लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट है एच, तो ये जो पूरी हाइट है ना ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक एच है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर मान लेंगे, क्या लेगा एच, ये सिलेंडर इसका रेडियस, ये हाइट, हाइट मान लो एच है, रेडियस लिखा है यहाँ पे, तो कैप स्मॉल आर मान लेंगे, स्मॉल आर, और एच ले लेंगे इसकी हाइट, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। तो रेडियस तो हो गया स्मॉल आर, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर मान लेंगे स्मॉल एच, बस जो छोटा है उसके स्मॉल में मान लिया हमने रेडियस और हाइट, और जो बड़ा है उसमें कैपिटल मान लिया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बोलो क्या आ गया, ये हमने मान लिया। अब क्या कहता है, हमें कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ ये पता है कि दिस सिलेंडर इज इन इसमें कौन, बस ये दे रखा, ठीक है। क्या करना है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, इस कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है मैक्सिमम क्या होगा, ये इसको टच करके तब तो मैक्सिमम होगा, तो इसका कर्व सरफेस निकालना, सिलेंडर का जो मैक्सिमम दिखाना है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, छोटा तो स्मॉल में हो जाएगा यूज, इसको a मान लूँ, a क्या होगा 2πRh, इसको क्या करना है, हमें मिनिमम निकालना है, इसके मिनिमम निकालना, तो बेटा ये मिनिमम कब आएगा, इसके मिनिमम या मैक्सिमम कब निकाल पाओगे आप, जब ये एक ही वेरिएबल में होगा, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, दो हैं, कौन कौन से, R और H, तो क्या करना है, इनको सिंगल वेरिएबल में बदलना है, ठीक है। तो इनको सिंगल बदले कैसे बदलेंगे आप, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है भाई, इसको सिंगल में कैसे बदलना है उस पर ध्यान देंगे, तो हो जाओ शुरू। अब इसमें हमें और तो कुछ देने रखा, तो हम कुछ ना कुछ तो R और H में रिलेशन निकालेंगे, तभी तो बात बनेगी। तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ये B, ये C और ये D और ये E, तो देखो ये वाली ट्रेंगल, देखो ये वाली ट्रेंगल, ये बड़ी वाली ट्रेंगल, बड़ी वाली ट्रेंगल, देखो ये ए बी ई, देख रहे हो ए बी ई, और ये सी डी ई, देखो है ना, पूरी ट्रेंगल तो ए बी ई और ये सी डी ई दोनों क्या सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों बराबर है, और ये एंगल दोनों का है, ये कॉमन हो गया, जब किसी ट्रेंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो बोलो सिमिलर ट्रेंगल्स होती है, है ना। तो लिखें यहाँ पे पहले ना, बिकॉज ट्रेंगल कौन कौन सी, ए बी ई ये सिमिलर, तो ट्रेंगल सी डी ई, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो सिमिलर तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो इसकी ये साइड क्या हो जाएगी, आर
इसकी साइड क्या होगा स्मॉल आर, तो आर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा ये साइड क्या होगी, राइट साइड बताओ एच हो जाएगी, तो अच्छा इसकी ये साइड क्या होगी, ये और निकाल दो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, तो ये पूरी तो एच थी, इस एच में स्मॉल एच कट जाएगी तो एच माइनस एच तो बचेगी, ठीक है। तो इस ट्रेंगल की बड़े वाले ट्रेंगल की तो मैं ये ले रहा हूँ साइड एच, तो छोटे की हमें ये ले रहे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ये होगी एच माइनस एच, तो क्या होगा यहाँ पे एच अपॉन एच माइनस एच, ठीक है। ये हमने अच्छे से देख लेना, ये हमने क्या करा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर या एच निकालो, ठीक है एच निकाल लेता हूँ, स्मॉल एच निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो स्मॉल एच क्यों निकालेंगे, क्या करा मैंने दोनों को पलट दिया, ठीक है इसको पलट दिया इसको पलट दिया, अब क्या करेंगे कर दो ना आर एच इज इक्वल टू आर एच माइनस आर एच, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा क्या होगा आर एच इज इक्वल टू, हाँ भाई इसको इधर लिया है इसको इधर लेंगे, एच कॉमन आर माइनस आर, हाँ इसको इधर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लेंगे दोनों में से एच कॉमन निकाल देंगे तो आर माइनस आर बचेगा, तो स्मॉल जो एच है वो क्या होगा एच बाई आर इंटू आर माइनस आर, ये आ गया हाइट आ गई, आ गया हाइट। तो एरिया क्या होगा बताओ, फ्रॉम फर्स्ट टू पाई आर, और जहाँ एच है वहाँ पर क्या रखेंगे एच बाई आर आर माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ क्या बताओ टू पाई अपॉन आर इंटू मैच, ये और ये तो कॉन्स्टेंट ले लिया, ये सारा कर देंगे होना ले लो। अब इसमें जो स्मॉल आर है तो यहाँ पे दो वेरिएबल थे ना आर और एच, तो मैंने क्या करा एच हटा दिया, एच की वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया, तो अब इसमें क्या है ये स्मॉल आर ही क्या है इसमें वेरिएबल है, कैपिटल आर और कैपिटल एच क्या हो गया इसमें कॉन्स्टेंट, ठीक है ये आ गया फंक्शन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, अब आ जाओ शुरू, अब इसको क्या करना है मैक्सिमम दिखाना है, तो अब मेरे ख्याल से करोगे हमने क्या से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में करते हैं डायरेक्टिव डी ए बाई डी आर आएगा, टू पाई एच अपॉन आर ही तो सारा कॉन्स्टेंट था, इसे करो कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है स्मॉल आर का वन, तो आर इंटू वन आर हो गया, जैसे क्या होगा टू आर, ओके डेरिवेटिव फिर कर देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जीरो इसके क्या होगा माइनस का टू, तो क्या हो गया नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया एरिया विल बी मैक्सिमम, ठीक है सर्फ कर्व सर्फेस एरिया क्या हो गया इसका मैक्सिमम हो गया, एक पार्ट से प्रूव हो गया मैक्सिमम तुम दिखा दिया। और ये मैक्सिमम कब होगा पता है, जब इसमें एक चीज़ और प्रूव करनी, क्या रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर की कुल होगा, तो रेडियस ऑफ कोन क्या कैपिटल आर और डायमीटर ऑफ क्या होगा स्मॉल आर का डबल, तो कैपिटल आर को ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर दिखाने, तो ये हो जाएगा अपना क्या करोगे बताओ फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं अपन बताओ डी ए बाई डी आर को जीरो की कुल रखते हैं, तो डी ए बाई डी आर तो ये है ना तो इसको रखेंगे जीरो की कुल, टू पाई एच अपन आर आर माइनस टू आर बराबर जीरो, ये तो जीरो होगा नहीं तो सारा क्या हो जाएगा आर माइनस टू आर इज जीरो हो जाएगा, तो आर के लिए क्या हो गया यहाँ पे टू आर। अब ये आर क्या था, ये आर ये था रेडियस ऑफ कोन, ये क्या है डायमीटर हो गया ना डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है ऐसा करना है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये थोड़ा सा मुश्किल था ये, बाकी वैसे आसान पड़े सारे सारे। अब 24 नंबर पेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा 30वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखो ये जो एक्सरसाइज है ना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक क्वेश्चन कर दिए हैं, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जांपल्स आए हुए देखो सारे सारे, आप वो भी करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता हो तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछने दो यार, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में मैं जल्दी ही आपका इंटीग्रेशन शुरू करवाने वाला हूँ, तो उसमें इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट सारे हो जाएंगे क्लियर, कोई डाउट्स हो तो उसमें आप पुट कर सकते हो, ठीक है तो करना। अब इसमें बच गए अपने पास 30वां क्वेश्चन, 30 से आगे बचे है ना लगभग 6-7 सवाल बचे हैं, 7 क्वेश्चन, तो कल दो वीडियो बनाऊंगा मैं, उन दोनों में सातों क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप इतने कर लो, ठीक है इसमें आप इतने कर लो, और बाकी जो है ना काम करेंगे कल, ठीक है। तो आज इतने कर लो, कल अपन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है बेटा।
मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और अपना काम, शाबाश।